दोस्तों साथियों, मैं मोहम्मद रशीद आप तमाम का इंडिया 18 में खैर मकदम करता हूं और आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। हिंदी सिनेमा के रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। हिंदी फिल्मी दुनिया के मशहूर मारूम रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। 67 साल ऋषि कपूर मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में इनका इंतकाल हुआ। ऋषि कपूर मशहूर मारूफ फिल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मशहूर मारूफ राज कपूर के ये बेटे थे और रणबीर कपूर के ये वालिद थे। ऋषि कपूर के भाइयों में शशि कपूर, शमी कपूर, रणधीर कपूर और राजू कपूर जैसे फिल्मी दुनिया के दिग्गज अदाकार मौजूद हैं। आज सुबह 8:45 को मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें लिए। ऋषि कपूर ने 4 सितंबर 1992 को पैदा हुए इंडियन फिल्मी एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की हैसियत से इन्होंने काम किया। ऋषि कपूर 67 साल के थे और आज 30 अप्रैल को इस दुनिया फ़ानी से अलविदा कहा। ऋषि कपूर जो 4 सितंबर 1952 को पैदा हुए और 30 अप्रैल 2020 को इस दुनिया फ़ानी से अलविदा कहा। इन्होंने हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया में एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की हैसियत से काम किया और ये कई एक अवार्ड्स भी हासिल किए हैं, जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड और ये अपने वालिद की फिल्म मेरा नाम जोकर में 1970 में डेब्यू हुए थे एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट हीरो, जिस पर इन्होंने बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड भी हासिल किया और 1973 में इन्होंने बॉबी फिल्म में एज ए हीरो अपना डेब्यू किया, जो कि एक बहुत ही मशहूर मारूफ फिल्म है। ऋषि कपूर को एक रोमांटिक हीरो से जाना जाता है जिन्होंने कई एक अवार्ड के साथ साथ इन्हें फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी 2008 में मिला था।